नजमा, अभी आपसे जो अभी आपने सुनाया, मैंने अभी कहा था कि मैं पुरानी दिल्ली में काफ़ी वक्त तक रहा हूँ, तो ये ज़ुबान, हालांकि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपने कुछ कुछ शब्द उठाए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस की, लेकिन फिर धीरे धीरे इस कैरेक्टर को अपने आप में ढालने के लिए आपको और भी बहुत सारे शब्दों को पकड़ना पड़ा। लास्ट मैं भी सुन रहा था एक शाहीन बाग का, और शाहीन बाग के ज़रिए आपने जो सब कुछ एक नजमा आप ही जो बता रही है, तो अगर वो दर्शकों को सुना सकें आप आज तक के। मुझे ज्यादा याद नहीं है जो मैंने उस बारे में बोला था, बट हाँ जब सीए वगैरह का हो रहा था तो मैंने, क्योंकि मैं खुद घर पर थी, तो मेरी मम्मी ने जब वो वीडियोस देखी जो टीवी पर आती थी, क्योंकि मैं जिस शहर से हूँ वहां पर भी कर्फ्यू लग गया था कुछ टाइम के लिए, तो हमने देखा कि कैसे लोगों के ऊपर वाटर कैनन चलाई जा रही है, तो मेरी मम्मी के मुंह से अचानक निकला कि अरे बताओ बच्चे भीग गए। उन्हें कोई मतलब नहीं था इस चीज से कि ये चीज सही हो रही है या गलत, उन्हें सिर्फ एक बच्चे की फिक्र हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर नजमा आप ही एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सीए पर बोलेंगी तो वो अच्छा रहेगा। तो तब मैंने एक वीडियो बनाई और मैंने उसमें बोला था कि भैया हमारे बच्चे जाते हैं बाहर प्रोटेस्ट में, भीग कर आ जाते हैं इतनी सर्दी में, ये लोग वाटर कैनन चला देते हैं, फिर इन्हें नजला हो जाता है, फिर दिन भर छींकते रहते हैं, ये हमारे बच्चे बीमार करके रख रखे हैं, और मैं तो इसमें भी फायदा ढूंढ लेती हूँ, मैं ना अपने बच्चों को पतीले लेके भेज देती हूँ, भैया वहीं से नहा के आओ और घर के लिए भी 4 बाल्टी पानी भर लाओ। बहुत ही सही। चेष्टा जी, आपने भी कोरोना पे अभी कुछ कहा था बुंदेलखंडी में ही। चेष्टा जी आवाज आ रही है? हेलो जी, चेष्टा जी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। मैं ये कह रहा था आपने भी अभी कोरोना पे कुछ कहा था बुंदेलखंडी में ही, अपनी उसी अंदाज में आपने कुछ। एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था, देखो एक बड़ी बीमारी है जो तो हम सब जाने ही गए हैं, जा बीमारी में अपन को बाहर नहीं जाने हैं, और हम अपने घर के बुजुर्गों से सबसे ज्यादा कहवो चाह रहे हैं, अम्मा दद्दा तुम सब घर में रही हो, और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके सबको अपने हाथ गोड़े धोने हैं, अपनो ध्यान रखने हैं, साफ सफाई को ख्याल रखने हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो जादू टोना थूक ताबीज मंत्र जा सबसे दूर हो जाए, जामे हमको खाली डॉक्टर की सलाह मानने हैं, डॉक्टर का कह रहे हैं विज्ञान के तरीके से चलने हैं, तो ये सब नियमन के अपन पालन करेंगे तो अपन ये बीमारी से बच भी सकते हैं। तो ये मैंने एक बनाया था कोरोना के लिए। अच्छा सलोनी, आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप लोग आते हैं, ये सारी चीजें अपलोड करते हैं, बहुत सारे ह्यूमर अलग अलग, आप चूंकि पॉलिटिकल भी मामला हो जाता है, पॉल्यूशन से लेके इलेक्शन तक पे भी आप लोग कुछ करते हो, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि बड़ा अजीब अजीब रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ तंज या इस तरह की बातें लिखने वालों को हरास भी किया जाता है, तो आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कुछ? नहीं हुआ है। मैं पहले जिस भी इंटरव्यू में जाती थी जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कोई ट्रोल्स नहीं मिले थे, और मैं बड़े गर्व से इंटरव्यू में कहकर आती थी कि नहीं ऐसा कहाँ होता है, लोग कॉमेडी से कहाँ ऑफेंड होते हैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, अब मुझे कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले काफी इतना ट्रोल्स मिले कि अब मुझे पता चल गया है कि हाँ इन लोग का भी एक ये बिजनेस है। बट फिर यही है कि ये लोग सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, इनको इसी काम का पैसा मिलता है या इसी काम को करके इन्हें खुशी मिलती है, क्योंकि अब फ्री इंटरनेट है, लोगों के पास एक फोन है तो सबके हाथ बस कीबोर्ड पर पटक देते हैं और लिख देते हैं, चाहे उन्हें वो वीडियो पसंद भी आ रही है। लेकिन कुछ लोगों का होता है कि बस हम इनकी बैंड बजा दें बिल्कुल अच्छे से। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी सोनिया वर्सेस अर्नब पर, उस पर भी काफी हेट मिला। तो जब भी मैं किसी एक चीज के ऊपर वीडियो बनाती लोग बोलते अरे तुमने उस पर क्यों नहीं बनाई, आप पीछे जाओ वीडियोस देखो, मैं सबके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, मैं किसी के लिए बायस नहीं हूँ, मुझे ह्यूमर सब चीज में निकल कर आ जाता है मेरे लिए, तो लोग तो लिखेंगे ही, मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देती। उस दिन के बाद से मैंने ट्विटर के नोटिफिकेशन ही म्यूट कर दिए, अब वो लोग बोलते रहते हैं उनको पता भी नहीं कि मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ।